एक गांव में सास और बहू रहती थी। सास बहू में हमेशा अनबन होते रहता था, एक दूसरे से हमेशा झगड़ा होते रहता था, क्योंकि बहू जो थी वो बहुत मॉडर्न बहू थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी, बस फोन से बातें करना और बाहर घूमना फिरना करती थी। सास हमेशा टोकती कि तुम घर काम किया करो, तो बहू बोलती कि ये सब हमसे नहीं होगा, ये सब देख। सास बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन बहू बाहर फोन से बातें कर रही थी और सास इधर से देख रही थी, तभी एक चोर आया और उसका फोन ले लिया। फिर उसकी सास दौड़ी दौड़ी आई, उस चोर से उसका फोन ली, फिर उसकी सास उसका फोन वापस दी और बोली कि अगर बात करना है तो घर में करो। फिर उसकी बहू अपनी सास से माफी मांगी और बोली कि आप मुझे अपने बच्चे जैसा समझा रही है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी आपको अपनी माँ जैसा समझे। फिर बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करिएगा माँ। फिर सास बोलती है कि तुमको तो मैं हमेशा अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। फिर सास बहू एक साथ काम करते और खुशी खुशी रहने लगते।